नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर राजीव गौड़। मेरे साथ में महक जी हैं, जिनका 4 साल से नी में पेन की दिक्कत थी और इनका टीयर हो गया था और इनका 3 महीने पहले ऑपरेशन भी हो गया था। ठीक है, अभी ये बताएंगी कि आने से पहले इनको क्या क्या तकलीफें थी और अब क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, बताएं। पहले यहाँ आने से पहले मुझे नी में स्टिफनेस रहती थी, नी में दर्द रहता था और कट कट की आवाज आती थी, बट अभी यहाँ पर ये सब ऑपरेशन से पहले था या बाद में था? ऑपरेशन के पहले भी था, बाद में भी था। ठीक नहीं हुआ था, सीढ़ी वगैरह चढ़ पा रहे थे आप? नहीं, पहले नहीं। अच्छा, अभी हमारे पास 5-7 दिन के ट्रीटमेंट के बाद क्या क्या फर्क आया है आपको बताएगा? अभी मेरा नी आगे पहले से स्टेबल है और पेन भी बहुत कम हो गई है, बट और लेग भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग लगती है, वीकनेस कम है पहले से और अब मैं स्टेयर्स भी चढ़ पाती हूँ। आप जो भी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं उनको कोई संदेश देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आएं और अपने आप को ठीक करें, क्योंकि एलोपैथी में कुछ भी ठीक नहीं होता है, ज़्यादा खराब होते हो आप। एक बीमारी को ठीक करने के लिए आप जाते हो और दूसरी लगा लेते हो, सो बेस्ट है कि आप यहाँ पर आएं। तो देखिए, आपने महक जी से सुना है कि जिनका 4 साल से नी में दर्द था और उसके लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था, ऑपरेशन कर भी दिया था, उसके बाद भी जो कंप्लेंट्स पहले थी वो बाद में भी जो कि तो ही रही है, और यहाँ पर आने के बाद सिर्फ 4 से 5 से 7 दिन में पंचकर्मा थेरेपी, नेचुरल थेरेपी से इनका सीढ़ी में चढ़ना उतरना और पैर में दर्द वगैरह सब बिल्कुल गायब सा हो गया है। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है, हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में यह हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्वगुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्वगुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।